राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वैसे तो इस दोहे का मतलब कुछ और है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि इस वीडियो में मैं इस दोहे को आपके सामने रखूं। खादी ऑर्गेनिक, जिन्होंने ये हवा बना दिया था कि हम आपको फ्री प्रसाद वितरण करवाएंगे, आपके घर तक पहुंचवाएंगे, आपको सिर्फ डिलीवरी चार्ज देने होंगे 51 रुपए। इनका वेबसाइट डाउन है, इनका ट्विटर डाउन है, इंस्टाग्राम डाउन है, यूट्यूब से सारे वीडियोज इन्होंने हटा दिए। इन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया कि इनके पास 20 लाख लोगों के ऑर्डर आ चुके हैं। अगर हम इसको हाफ भी कर दें, आधे लोगों ने पैसे पेमेंट किया होगा, आधे लोगों ने COD किया होगा, तो भी इनके पास कितने पैसे हो गए। और अब इनका कोई अता पता ही नहीं है कि ये कहाँ है, कोई अपडेट नहीं है, कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों ने पैसे पेमेंट किए उनके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसका भी कोई डेटा नहीं है। इस खादी ऑर्गेनिक का प्रमोशन बहुत सारे लोगों ने किया था, और उन व्यक्तियों में से मैं भी एक व्यक्ति था जिसने खादी ऑर्गेनिक का प्रमोशन किया था। बट फर्क इतना था कि मैंने पेड प्रमोशन नहीं किया था बाकी लोगों के जैसे। अगर उनको मेरे कारण फ्री प्रसाद मिल रहा है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, और इसके लिए मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पे मैंने इसको डाल दिया। मैंने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारे मुझे आर्टिकल्स मिले, एक से एक। मतलब आप जिन जिन न्यूज पोर्टल्स को रेफर करते हो उनमें से मैक्सिमम न्यूज पोर्टल ने इसके ऊपर आर्टिकल छापा हुआ था कि आप फ्री प्रसाद कैसे ले सकते हो। इसके साथ ही इनका जो इंस्टाग्राम था वहां पे इन्होंने वीडियोस डाले हुए थे, फोटोज डाले हुए थे मंत्रियों के साथ, मनोज तिवारी के साथ इनका फोटो था, साथ में हमारे जो योगी जी हैं उनके साथ इनका फोटो था। और इन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि इनके प्रोफाइल देखने के बाद किसी को भी ये लगेगा कि इन्होंने मंत्रियों के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है और वो मंत्री इनको हेल्प करेंगे प्रसाद को वितरण करने में फ्री में, क्योंकि इतना बड़ा काम किसी भी पॉलिटिशियन के हेल्प के बिना हो ही नहीं सकता है। अब इन फोटोज के पीछे कहानी क्या है, इन्होंने ये फोटोज कैसे क्लिक किए, फोटोशॉप है जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं फोटोशॉप करता हूं, एडिटिंग करता हूं, ये फोटोशॉप पिक्चर्स नहीं है, असली पिक्चर्स है। लेकिन इन्होंने क्या बोलकर मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाया है, मिनिस्टर्स के साथ फोटो खिंचवाया है, वो मुझे नहीं पता। हो सकता है ये उनको कुछ गिफ्ट देने गए होंगे, उस भाव से उन्होंने फोटो खिंचवा लिया, या किसी और काम के लिए गए होंगे और उन्होंने फोटो खिंचवा के इसको अपने प्रोफाइल पर डाला हुआ है। तो पहला स्कैम तो उन्होंने मंत्री जी के साथ ही कर लिया कि इनका जो फोटो था वो मिसयूज किया गया। अब इसके बाद इन्होंने वहां पे ऑप्शन डाला हुआ था कि अगर आप चाहो तो अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी प्रसाद फ्री में पिकअप कर सकते हो, हम लोग वहां पे डिलीवर कर देंगे। इस कारण से मुझे लगा कि भाई अगर ये फेक होता तो सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन होता। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट कि इन्होंने मंत्री जी के साथ फोटो लिया हुआ था, मिनिस्टर्स के साथ फोटो लिया हुआ था, एक वीडियो भी था जिसमें क्लेम कर रहे थे कि हम फ्री प्रसाद वितरण करेंगे, और ऑफलाइन उन्होंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों के बीच में बनाया हुआ था और वो शायद इंदौर का वीडियो था। उसके बाद जो फ्री में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पिकअप करने वाला था, दूसरा ऑप्शन ये, तो बहुत सारे न्यूज वालों ने इसके ऊपर आर्टिकल छाप दिया। हमारा क्या है भाई, हम कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं कि हम ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर ग्राउंड पे जाके या फिर RTI लगाते हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है और फिर हम पब्लिश करते हैं। हमारे लिए जो वेरिफिकेशन का सोर्स होता है वो न्यूज ही होता है। जब मैं वीडियो भी बनाता हूं तो मैं वेरिफिकेशन कहां से करता हूं, मैं जो फैक्ट्स है वो कहाँ से लाता हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से लाता हूँ, न्यूज़ से, न्यूज़ सोर्सेस से। मैंने न्यूज़ सोर्सेस से कंफर्म किया था, हाँ भाई वहाँ पे डाला हुआ था कि भाई आप कैसे फ्री प्रसाद बुक कर सकते हो। कोई भी कॉमन आदमी जब कुछ पता करना चाहेगा कि ये चीज़ एक स्कैम है कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, गूगल सर्च करेगा। गूगल सर्च करते ही सामने लिस्ट आ जाता है इतने सारे न्यूज़ पोर्टल्स का जिन्होंने छापा हुआ है कि हाँ आप कैसे फ्री प्रसाद बुक कर सकते हो। अब कोई भी कॉमन आदमी कैसे पता करेगा कि एक स्कैम है कि नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला, जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स थे उनको भी बोला, मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे भी मैंने रजिस्टर करवाया और उन लोगों ने भी प्रीपेड डिलीवरी सिलेक्ट किया। और इसके बाद मैंने खाद्य ऑर्गेनिक वालों को बोला कि भैया आप बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी का भरोसा ना टूटे। अब इसके कुछ दिनों के बाद कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ये वीडियो बनाया कि एक स्कैम है, और वो रील मेरे पास भी पहुंचा, लोगों ने मुझे टैग किया, मैंने देखा। उसके बाद मेरे मन में डाइलेमा आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा कि भाई अब तो और भी बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने ये छाप दिया है कि आप फ्री प्रसाद कैसे बुक कर सकते हो, और आगे आने वाले 2-3 दिन में और भी बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने इसके ऊपर आर्टिकल छाप दिए। लेकिन अब तक मेरे मन में तो डाउट आ चुका था, तो मैंने खादी ऑर्गेनिक वालों को मैसेज किया कि आप अपना जो ओनर है उनसे मेरी बात करवाओ, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत कुछ चल रहा है, लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनका ट्रस्ट तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे डाउट क्लियर करना है। अंदर की जो डिटेल्स है, आप कैसे प्रसाद वितरण करोगे वगैरह, मुझे जानना है कि आखिर ये होगा कैसे। अच्छा हाँ, इसी बीच में मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के नोन व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि अपना वीडियो हटा दो क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट का इस चीज़ से कोई एसोसिएशन नहीं है। अब खादी ऑर्गेनिक वालों ने मुझे रिप्लाई किया कि आपकी बात आज हो जाएगी, जो ओनर है वो आपको आज कॉल कर लेंगे। मैंने पूरा दिन वेट किया, कोई भी कॉल नहीं आया। फिर मैंने दूसरा दिन बोला कि अगर आज मुझे कोई कॉल नहीं आता, आप अपने ओनर से मुझे बात नहीं करवाते हो,
तो मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगा जो भी चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर, और मैं सबको बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। और उसके बाद आप मेरे सारे वीडियोस, जो भी वीडियोस आपने मेरे यूज़ किए हैं, जहाँ जहाँ यूज़ किए हैं, सब जगह से हटाओगे। मैंने इनको यहाँ तक परमिशन दे दिया था कि आप मेरे वीडियो को यूज़ कर सकते हो एज एन ऐड, क्योंकि मैं इनके ऊपर भरोसा कर रहा था कि ये लोगों का भला करेंगे, लोग तक प्रसाद पहुँचाएंगे। और इन्होंने विश्वासघात किया, मेरा ट्रस्ट तो गया, चलो दूर की बात है, मैं आज के बाद से मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ, ना किसी की हेल्प कर पाऊँगा। लेकिन इतने सारे लोग जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे वीडियो को देखने के बाद उन्हें लगा कि ये जेन्यून होगा, तभी उन्होंने रजिस्टर किया। उनके भरोसे का क्या, इतने साल लग गए मुझे यूट्यूब के ऊपर एक एक वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, अपने आप को ट्रू रखने में। तो इनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि नहीं नहीं वो आपको कॉल कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन इनका कॉल नहीं आया, कोई भी मुझे मैसेज नहीं आया, मतलब कोई अपडेट आया ही नहीं। मैंने वीडियो बनाया और 16 तारीख को मैंने अपलोड कर दिया। मेरे रील डालने के बाद खादी ऑर्गेनिक वालों ने मेरा रील देखा और मुझे मैसेज किया कि हम लोग स्कैमर नहीं है। अब ये कुछ कर तो सकते नहीं थे, इन्होंने कहा कि हम लोगों का पैसा रिफंड कर देंगे, जो चाहते हैं कि अपना ऑर्डर कैंसिल करें तो एक रिफंड फॉर्म हम दे देंगे, उसके बाद उनका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। अब उसके एक वीक के बाद 22 जनवरी आ गया। 22 जनवरी को उन्होंने क्या किया, वेबसाइट के ऊपर इन्होंने डाल दिया कि कुछ कारणों के कारण हम लोग प्रसाद वितरण नहीं कर पाएंगे, आप तक प्रसाद नहीं पहुँचेगा, जिन लोगों का पैसा उनको रिफंड हो जाएगा, फॉर्म हमने दिया हुआ है। अब स्टार्टिंग मेरे दिमाग में ये बात नहीं आया कि अगर कोई व्यक्ति रिफंड करना चाहेगा तो वो डायरेक्ट रिफंड कर देगा। नितिन शुक्ला भैया जिसे मैंने बात किया, उनको सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसको रिफंड करना रहेगा वो डायरेक्ट रिफंड कर देगा, रिफंड फॉर्म की क्या जरूरत है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये लोग रिफंड फॉर्म इसलिए दे रहे हैं कि आप रिफंड फॉर्म फिल करो, हो सकता है वहां से लोग डेटा इकट्ठा कर लेंगे, उस डेटा को किसी को भेज देंगे, या इसके पीछे ये भी मोटिव हो सकता है कि जिस फ्रीक्वेंसी से इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन आए थे, जितने फ्रीक्वेंसी से लोगों ने रजिस्टर किया, उतने फ्रीक्वेंसी से इनके फॉर्म को लोग फिलअप नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मान ले कि 20 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों ने प्रीपेड डिलीवरी सिलेक्ट किया, तो 10 लाख लोगों ने इनको पेमेंट किया, लेकिन क्या उन 10 लाख लोगों तक ये फॉर्म पहुंच पाएगा, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगा कि हाँ भाई आपको अगर रिफंड चाहिए तो आप यहाँ फिल करो, फिर आपको रिफंड मिलेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही छोड़ देंगे, छोड़ो 85 रुपये है ना, क्या हो गया, भगवान जी के नाम पे हमने दे दिया। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने ये रिफंड फॉर्म वाला जो चोंचला है इसीलिए डाला है। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास जितने ऑर्डर्स है सब रिवर्ट कर दो, सारे पेमेंट जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाएंगे। देखो मुझसे अनजाने में गलती हुई, मैंने क्रॉस चेक करने की पूरी कोशिश की, जहाँ जहाँ से मैंने कन्फर्म करने की कोशिश की मुझे सिक्योरिटी मिला कि ये एक स्कैम नहीं है। मैंने सेवा के भाव से प्रोमोट किया कि भाई चलो मेरे कारण अगर किसी को प्रसाद मिल रहा है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, किसी की हेल्प हो जाएगी। मैं क्या हूँ भाई, मैं तो एक छोटा सा क्रिएटर हूँ जिसके सिर्फ 50,000 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। जो मिलियंस वाले हैं भाई, 100 मिलियन व्यूज गए थे उनके रील के ऊपर, 100 मिलियन, सोचो आप, ऐसे ऐसे क्रिएटर्स थे। उन्होंने क्या किया, चुपचाप अपना रील डिलीट कर दिया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं 99.9% श्योर हूँ कि वो पेड प्रमोशन था। जब पता चला कि एक स्कैम है तो चुपचाप रील डिलीट कर दिया। अब ये तो क्रिएटर्स की बात हो गई, अब आप सोचो कि न्यूज़ चैनल वाले, हम तो क्या ही हैं, हमारे पास क्या ही ट्रैफिक होगा। न्यूज़ चैनल्स वाले भाई, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स जहाँ से कि लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जिसको सबसे रिलायबल मानते हैं, उन न्यूज़ पोर्टल्स ने छापा कि भाई आप फ्री प्रसाद कैसे ले सकते हो। और आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ न्यूज़ पोर्टल्स तो 19-20 तारीख तक भी इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे थे। अब इनका जो वेबसाइट बंद हुआ है ना, उसके पीछे की पूरी मैं आपको कहानी बताता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया कि ये जो खादी ऑर्गेनिक है ना, ये जो खादी ब्रांड है ना, इससे एसोसिएटेड ही नहीं है, इनको ट्रेडमार्क ही नहीं मिला हुआ है खादी ऑर्गेनिक का नाम यूज़ करने का, लेकिन फिर भी इन्होंने यूज़ किया और इसके कारण इनके ऊपर केस हुआ। और इन्होंने ये जो फ्री प्रसाद वाला इनिशिएटिव निकाला था, जो कि बिल्कुल भी लीगल नहीं है, इसलिए इनको अपने वेबसाइट वगैरह को बंद करना होगा। तो कोर्ट के ऑर्डर के कारण इनका वेबसाइट डाउन हुआ, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह सब पहले ही हटा दिए थे। मैंने अपने इंड से पूरी कोशिश की कि जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। मैंने साइबर कंप्लेन भी दर्ज किया कि खादी ऑर्गेनिक ने स्कैम किया, इतने लोगों के साथ रिफंड नहीं आ रहा है। अगर आप चाहो तो आप भी साइबर कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि cybercrime.gov.in पे जाना है और वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ इस केस के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आपके साथ फ्यूचर में कुछ भी ऐसा कोई साइबर फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है तो आप इसके ऊपर अपना साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हो। फिर वहाँ से आपको जो नियरेस्ट आपका थाना है जहाँ से आपने रिपोर्ट किया है, तो वहाँ का आपको नंबर मिलेगा, फिर उनको कॉल करके आप बात करके सारी डिटेल समझा सकते हो, जिसके ऊपर फिर छानबीन होगी और आपको आपका जो केस के अपडेट्स है वो आपको दिया जाएगा। मैंने सिर्फ सेवा के भाव से इनकी हेल्प की कि अगर कोई व्यक्ति राम जी का काम कर रहा है, प्रसाद लोगों को बांट रहा है, तो अगर मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं, तो उससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन इन्होंने सबका काटा, मेरे दोस्तों, मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी रजिस्टर करके पेमेंट किया, तो इन्होंने सबके साथ ये स्कैम किया। और जो योगी जी का फोटो इन्होंने गलत तरीके से यूज किया, मिनिस्टर्स का फोटो इन्होंने गलत तरीके से यूज किया, इसके ऊपर तो अब यूपी गवर्नमेंट ही देखेगी कि इनके साथ क्या करना है। क्योंकि राम जी के नाम पे इन्होंने ये जो धंधा बनाया ना, ये पैसे इनको पचने नहीं वाले हैं। क्या लगता है आपको कि राम जी के नाम पे ये जो लोगों से इन्होंने पैसा इकट्ठा करवा के अपने पास रखा, जो भी ये लोग इसका कर रहे हैं, ये इनको पच जाएगा? नहीं पचने वाला है। आज हो, कल हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, इसका सूद समेत इनको
वापस देना पड़ेगा, फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, इनको देना ही पड़ेगा। जो कर्म आपने किए हैं उसकी सजा आपको इसी धरती पर मिलेगी। और इन्होंने लाखों लोगों का तो भरोसा तोड़ा है, आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। मैं बाकी के क्रिएटर्स के जैसे चुपचाप निकल सकता था, 5-10 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, अरे क्या हुआ, 85 रुपया तो था। लेकिन मेरे लिए मायने रखता है मेरे व्यूअर्स का ट्रस्ट, कि मैं उनके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखूँ। जो मैं करूँ, जो मेरे साथ हुआ, एक एक चीज़, एक एक वर्ड मैंने सब आपके सामने रख दिया है, ट्रांसपेरेंट हूँ मैं आपके सामने। बाकी इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत पहले ही इसके ऊपर सारी डिटेल्स दे दिए थे, ट्विटर पे मैंने इसके बारे में सब कुछ अपडेट किया हुआ था। लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे पीछे पड़ गए हैं, मतलब हर जगह ऐसे टैग कर रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं कि जैसे मैंने उनके साथ स्कैम किया, वो सारे पैसे मैंने अपने अकाउंट में रख लिए हैं। भाई मेरे साथ भी स्कैम हुआ है, मैंने भी रजिस्टर किया था, मेरे फैमिली वालों ने रजिस्टर किया, उन्होंने पैसा पेमेंट किया, मेरे दोस्तों ने किया, उनके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मैंने तो फ्री में उनका प्रमोशन किया, उसके साथ साथ साला कुछ दिन तक जो मैं परेशान रहा वो अलग, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। मैं चाहता तो और वीडियो में काम कर सकता था, और वीडियो बना सकता था, आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दे सकता था। इस चीज़ के कारण मुझे भी बहुत परेशानी हुई है। लेकिन कुछ लोग भाई ऐसे पीछे पड़ गए हैं जैसे कि मैंने उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। तो इन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ना अपना अकाउंट डिटेल, टोटल जितना आपने पेमेंट किया था वो आप मुझे DM कर दो, मैं अपने अकाउंट से आपको पेमेंट कर दूंगा। बाकी जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे फैक्ट पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे रिसर्च पर ट्रस्ट करते हैं, वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते रहेंगे। कुछ लोगों के कारण मैं अपना काम नहीं छोड़ने वाला हूँ, ना ही मैं हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाना बंद करने वाला हूँ। बाकी सभी सपोर्टर्स को धन्यवाद और जय श्री राम।